बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल का कौरमा, जो कि बिल्कुल शादियों वाला कौरमा है। शादियों में जो हम चिकन कौरमा खाते हैं देग वाला, उसकी रेसिपी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। तो चले मेरे साथ किचन में इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप से थोड़ा कम ऑयल और इसके अंदर मैंने ले ली है चार प्याज़ें जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल के अंदर शामिल कर रहे हैं चार अदद इलायचियाँ। इलायचियों को मैंने बीच में से स्लिट कर लिया था, थोड़ा सा कुचला हुआ है इसको ताकि इसका अरोमा अच्छा सा बाहर निकले। इसको हमने ऑयल में डाल दिया है और ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद अपनी प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत अच्छा फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है, वरना कौरमे का लुक और जायका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी प्याज बिल्कुल फ्राई हो गई है, गोल्डन सी और इवन सी। तो जनाब, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छी सी कड़क हो जाए। अब उसी ऑयल में इसमें हमने प्याज फ्राई की थी, मैं शामिल कर रही हूँ एक टेबल स्पून के बराबर क्रश जिंजर गार्लिक। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और अब जो मैं स्टेप कर रही हूँ उससे आपके कौरमे में इंतहाई खुशबू पैदा होगी। बहुत ही ख़तरनाक किस्म के खुशबूदार कौरमे का अगर बनाना है तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मेरे पास है गर्म मसाला जिसके अंदर शामिल है काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। ये सारा गरम मसाला आपने इस तेल के अंदर फ्राई करना है। आपके तेल के अंदर ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी कि आपका कोरमा जो है ना वो बिल्कुल महकता हुआ बनेगा इंशाल्लाह। तो जनाब, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये फ्राई कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे। अब हमारा लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो चुका था, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। और चिकन को हमने उस वक्त तक इसके साथ फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये अपना सारा पानी छोड़ के और पानी को हम खुश नहीं कर लेते। उस वक्त तक हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। इस प्रोसेस में लगेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, तो आप इसको अच्छा सा फ्राई कर लीजिए। अच्छा भाई, देखें यहाँ पर चिकन बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है, इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे अपने कुछ मसाला जात, जिसमें शामिल हैं 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर और 1 ही टेबलस्पून के बराबर नमक। ये मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। बहरहाल, यहाँ पे मैंने ये मसाला इसमें शामिल कर दिया। अब इसको और अच्छा सा भूनेंगे। इसकी भुनाई में तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे हमको। तो हम इसको अच्छा सा भून रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने वो प्याज आपके सामने क्रश कर रही हूँ, उस प्याज को जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी। और आप देख सकते हैं इसमें कितनी मज़े की क्रंची आवाज़ें आ रही हैं और कितने आराम से ये क्रश हो रही है। इसका राज अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका राज ये है कि इसको हमने फ्रीज़र के अंदर डाल दिया था फ्राई करते ही। अगर आपको दानेदार कौरमा बनाना है तो आपको इसी तरह से हाथ से प्याज क्रश करनी होगी, ग्राइंडर में मत डालिएगा वरना वो दाना नहीं बनेगा जो हमें चाहिए होता है। और अच्छा क्रश करने का राज ये है कि आप इसको फ्राई करते ही फ्रीज़र के अंदर डाल दें और तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा जो है वो इसको उसी में रहने दें। और उसके बाद आप निकालेंगे तो उसकी बिल्कुल ये पोजीशन होगी कि ये बिल्कुल हाथ से आराम से चूरा चूरा हो रही होगी। तो हम यहाँ पर प्याज को क्रश कर रहे हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा व्यूअर्स, देखें यहाँ पर हमारे मसाला जो था वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ शामिल हो रहा है ये तली हुई प्याज जो हमने क्रश की थी। इसको हम अच्छा सा इसके साथ मिक्स कर देंगे और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, देखें ये अच्छा सा बिल्कुल मिक्सअप नहीं हुआ है, ग्रेवी नहीं बनी है यानी इसकी। तो इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाने का तरीका मैं आपको अब बताती हूँ। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1/2 ग्लास के बराबर पानी, 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए या 1/2 ग्लास कर लीजिए, बहरहाल इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और अब इसको हमें रख देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम पर, ताकि हमारी प्याज थोड़ी सी फूले और हमारी ग्रेवी के साथ इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ 5 से 6 मिनट के बाद, 5-7 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। अच्छा, हमारा कौरमा 7-8 के लिए दम पर है। इस दरमियान हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये मेरे पास है 1 पाव दही और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून के बराबर जायफल जावित्री का पाउडर और मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर केवरा वाटर। केवरा वाटर से बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है कौरमे के अंदर। इसको सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और अब इसको हम शामिल कर देंगे अपनी ग्रेवी के अंदर।
अच्छा भाई देखें, यहाँ पर जो हमने आधा ग्लास पानी डालकर 7-8 मिनट के लिए इसको रखा था दम के ऊपर, तो अब इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं कितनी उम्दा इसके अंदर ग्रेवी बन चुकी है। प्याज फूलकर उसने इसमें दाने बना दिए हैं और बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जनाब यहाँ पर वक्त आ गया है कि हम अपना वो दही इसमें शामिल कर दें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई है। ये सारी की सारी दही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको हमने ग्रेजुअली भूनना है और जब तक इसके अंदर से ये पानी खुश नहीं हो जाता, जो दही हमने डाली है वो अपना पानी छोड़ेगी, तो वो पानी हमें खुश करना है और इसको भुनी हुई पोजीशन पर लेके आना है। इस प्रोसेस के अंदर लग जाएंगे तकरीबन आपके 4 से 5 मिनट, तो हम इसको अच्छा सा भूनते हैं और उसके बाद फिर हम इसको दिखाते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। अच्छा भाई यहाँ पर हमें 5-7 मिनट रुक गए थे इसको भूनते हुए, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अब और ये सर्व करने के लिए भी बिल्कुल रेडी है हमारा कोरमा, बहुत ही मज़ेदार सा। तो जनाब मैं इसको यहाँ पर डिश आउट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कोरमे का कैसा लुक है, इसकी कितनी उम्दा इसकी ग्रेवी बनी है और इसका ऑयल और इसका कलर और इसकी गिलावट, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल देगी स्टाइल की है, जैसा हम शादियों में कोरमे खाते हैं बिल्कुल वैसी महक और खुशबू है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो व्यूअर्स ये है हमारा शादियों वाला देगी स्टाइल का बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा, जैसे कि हम शादियों में खाते हैं और पसंद करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बना है और बिल्कुल वही रेसिपी है। तो जनाब अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा और आपका कोरमा कैसा बना। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्स्चर, इसके दानादारपन और इसकी खुशबू तो आप नहीं महसूस कर सकते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम शादियों वाला कोरमा जो है इस वक्त खा रहे हैं। इसको मैंने गार्निश किया है अदरक से, बहुत ही अच्छा लगता है अदरक इसके साथ, और इसको अब इंजॉय कीजिए तंदूरी रोटी के साथ या फिर ज़ाफ़दान के साथ या शेरमाल के साथ, जिसके साथ भी आप खाएंगे बहुत ही उम्दा लगने वाला है, बिल्कुल शादियों वाला और मज़ेदार देगी कोरमा। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, इससे बहुत दिल बढ़ता है। तो जनाब और अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।